इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जी एक्सेसिंग अरे एलिमेंट्स के अरे एलिमेंट्स को हम किस तरह से एक्सेस करते हैं। देखें जी, आपको पहले बता दिया हुआ है कि अरे क्या होती है, उसके एलिमेंट्स के बारे में बताया है। ये एक्सेसिंग द अरे एलिमेंट्स के बारे में भी ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन आपको याद नहीं होगा, इसलिए मैं पुरानी प्रोग्राम वाली फाइल को ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक अरे बनाई गई थी जिसका साइज कितना है, 5, मतलब कि A0 से लेकर A4 तक हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे है तो 5 तक ही है, तो इसको हमने डायरेक्टली इनिशियलाइज किया था। अगर हम इसको 1 by 1 इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो वो हम अरे एलिमेंट्स को एक्सेस करके ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये अरे एलिमेंट को मैंने एक्सेस कर लिया, राइट। अब इसमें मैंने वैल्यू असाइन करनी है, तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लिखेंगे और यहाँ पर एक वैल्यू असाइन कर देंगे। लेट से मैंने यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी 45, तो A0 में जो ये अरे एलिमेंट है, A0 वाले अरे एलिमेंट में 45 वैल्यू असाइन हो चुकी है। अब नेक्स्ट अगर मैं एक और वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, तो इसी तरह से मैं अरे एलिमेंट को एक्सेस करूँगा जो कि है A1, और इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी 93। इसी तरह से मैं अरे एलिमेंट्स को एक्सेस करता जाऊंगा और वैल्यू असाइन करता जाऊंगा। आप A3 को पहले भी एक्सेस कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, A2 को एक्सेस कर लें, चाहे A4 को एक्सेस कर लें। कोशिश करें A5 को ना करें, क्योंकि उसमें \n होता है, उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर अरे ख़त्म हो चुकी है। तो आप 5 लिखेंगे ना, तो आपने 0 से लेकर 4 तक अरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। अगर आप यहाँ पर 6 लिखेंगे, तो आप A0 से लेकर A5 तक को एक्सेस करें और A6 को छोड़ दें। अब देखें जी, यहाँ पर मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ 67। इसी तरह से हम A4 को भी एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर ये एक अरे एलिमेंट है, ठीक है जी। और यहाँ पर इक्वल नहीं कहते, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। इसमें 32 मैंने इंसर्ट कर दिया। इसी तरह से A5 को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, और इसमें मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ, लेट से 31। अब देखें यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी है अरे की, वो है 5 तक। तो मैंने 5 के एक्सेस कर लिए हैं, तो मुझे यहाँ पर 6 रखने चाहिए थे। अब मैंने 0 से लेकर A5 तक एक्सेस कर लिए, इसका मतलब टोटल 6 अरे एलिमेंट्स को मैंने एक्सेस कर लिया। 0 A0 वहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3, यहाँ पर A2 को एक्सेस नहीं किया गया, चलिए उसे भी कर देते हैं। A2 आप पहले भी कर सकते हैं, मतलब कि A3 को पहले कर लें, वैल्यू साइन कर दें A3 में, A2 में बाद में वैल्यू साइन करें, कोई इतना इशू नहीं होता इसमें। यहाँ पर 75 मैंने असाइन कर दिया, क्लियर है। इस तरह से हम अरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनमें वैल्यू भी असाइन करवा सकते हैं। अब आते हैं जी इस तरफ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईच एलिमेंट इन द अरे हैज़ अ यूनिक पोजिशन और लोकेशन कॉल्ड इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। कि हर अरे एलिमेंट का एक यूनिक लोकेशन होती है, या आप कह सकते हैं एक यूनिक पोजीशन होती है जो दूसरी उसकी पोजीशन से मैच नहीं कर सकती। यूनिक का मतलब यही होता है। अब A0 अपनी जगह पर है, A1 अपनी जगह पर है, A2 इसी तरह अपनी जगह पर है, एंड सो ऑन, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अब हमने अगर A0 को एक्सेस करना है, तो अरे का नाम लिखेंगे और उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका सबस्क्रिप्ट लिख देंगे कि ये वाला अरे एलिमेंट मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। यहाँ पर आगे मज़ीद पढ़ते हैं, द इंडेक्स इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। जो इंडेक्स होता है वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है, आप देख सकते हैं 0, 1, 2, ये इंडेक्स है। इसी को हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं, ठीक है जी, इसी को हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो एक अरे एलिमेंट्स को हम किस तरह से एक्सेस करते हैं, अरे का नाम लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी इंडेक्स या उसकी पोजीशन या उसका सबस्क्रिप्ट लिखते हैं, जिसे हम अरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें कोई वैल्यू वगैरह असाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। आगे लिखा हुआ है जी, द इंडेक्स इज यूज टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन द अरे। अरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए, अरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ये वाले A0, A1, A2, A3, A4 एंड A5, इस अरे में 6 हैं, तो हम A0 से लेकर A5 तक एक्सेस कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट, इन्हीं को हम एलिमेंट्स कहते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इस इंडेक्स का, पोजीशन का या सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे इंडेक्स भी कह सकते हैं, सबस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, और इवन की पोजीशन भी कह सकते हैं।
क्लियर हो गया जी। और ये हमेशा वैल्यू किस में होती है, इंटीजर में होती है, आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 आप देख सकते हैं जी। अब नेक्स्ट क्या लिखा है जी, द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज 0, जो फर्स्ट एलिमेंट का अरे में इंडेक्स होता है वो 0 होता है। द इंडेक्स ऑफ द सेकेंड एलिमेंट इज द 1 एंड सो ऑन, और सेकेंड एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है वो 1 होता है एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे चलते रहते हैं। अगर सिंटेक्स की बात करें तो हम एक्सेसिंग एन अरे एलिमेंट का सिंटेक्स इस तरह से होगा कि सबसे पहले अरे का नाम लिखेंगे, स्क्वेयर ब्रैकेट डालेंगे और स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट लिखेंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर अरे का नाम है ए, स्क्वेयर ब्रैकेट है, स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स मैंने लिखा है, यहाँ पर आप कह भी सकते हैं यहाँ पर मैंने सबस्क्रिप्ट लिखा है। क्लियर है जी। आगे एग्जाम्पल पर आ जाए, यहाँ पर एक अरे ली गई है जिसका नाम क्या है जी, मार्क्स स्क्वेयर ब्रैकेट 5, मतलब कि एक अरे बन गई है, मार्क्स नाम के एक वेरिएबल भी आप कह सकते हैं, मतलब कि 5 वेरिएबल्स आपके लिए तैयार हैं जिनमें आप वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। मार्क्स 5 नाम की एक अरे ली है, तो मार्क्स 0 में 10 असाइन किया, मार्क्स 1 में 20 असाइन किया एंड सो ऑन, आप देख सकते हैं मार्क्स 4 तक उसने एक्सेस किया है, 0 से लेकर 4 तक उसने मार्क्स वाली अरे में जो अरे एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस किया है, 5 वाले को नहीं कर रहा। ठीक है जी, आपने 5 वाले को एक्सेस नहीं करना, आपने 0 से शुरू होना है और एक डिजिट तक पीछे रहना है आपने। यहाँ पर आपको पहले भी समझाया था पहली वाली वीडियो में कि ये जो वैल्यू होती है अरे में, ठीक है, ये एक लोकेशन है आप कह सकते हैं, एलिमेंट अरे एलिमेंट क्या है जी, मार्क्स 0, इसी एग्जाम्पल के मुताबिक इसको समझाया जा रहा है। अब ये एग्जाम्पल आपने पूरी करनी इधर से लेकर इधर तक कि एलिमेंट क्या है जी, मार्क्स 0, इसमें 10 स्टोर है आप देख सकते हैं, और इसका इंडेक्स क्या है, 0, इंडेक्स 0 लिखा हुआ है। एलिमेंट कौन सा है, मार्क्स 1 यहाँ पर लिख दिया, और इसके लिए एक सेल अलहदा से बना दी है, एक बॉक्स अलहदा से बना दिया जिसमें कौन सी वैल्यू साइन की गई है, 20, और इसका इंडेक्स क्या है जी, 1, और यहाँ पर इंडेक्स 1 लिखा हुआ है एंड सो ऑन आप देख सकते हैं। आगे एग्जाम्पल नंबर 4.1 पर आ जाए, बहुत आसान है। राइट अ प्रोग्राम डेट स्टोर्स द एजेस ऑफ द 5 पर्संस इन एन अरे एंड देन डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 5 पर्संस की, मतलब 5 लोगों की आपने एजेस को स्टोर करना है, कि 5 लोगों की उम्र को स्टोर करना है आपने और एक अरे के अंदर, और उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। आपने एक अरे ली, ठीक है, ARRY के नाम से, और उसकी इंडेक्स आपने क्या रखी, 5, मतलब कि उसकी आपने सबस्क्रिप्ट क्या रखी, 5। अब ये आप 0 से लेकर 4 तक आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि 5 लोगों की यहाँ पर वैल्यूज़ एजिस को वैल्यूज़ की फॉर्म में स्टोर कर दिया गया है। आगे से प्रिंट एफ में मैसेज शो करवाया गया, द एजिस ऑफ द 5 पर्सन आर एज फॉलोज, और न्यू लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पर। फिर शो किया गया जी ARRY 0, मतलब कि इस अरे एलिमेंट की वैल्यू को शो किया गया है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट की अरे एलिमेंट की वैल्यू को शो किया गया एंड सो ऑन, ARRY 4, ठीक है, ARRY हो तो अरे बनता है, तो यहाँ तक उसकी वैल्यूज को शो किया गया है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। बीच में ये स्पेसिस कैसी आ रही हैं, ये क्योंकि हर प्रिंट एफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद वो \t भी लिख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर टैब स्पेसिस आ रही हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये हम इस तरह के प्रोग्राम्स कुछ पहले भी काट चुके हैं कि ये प्रिंट एफ का यूज़ वगैरह करना, तो अरे की आई होप आपको समझ वैसे भी आ गई होगी, पहले भी हमने वीडियो बनाई हुई है अरे पर। एक और प्रोग्राम है, इसको ट्राई कीजिएगा खुद से। नेक्स्ट है जी, यूजिंग वेरिएबल एज इंडेक्स, के हम किसी वेरिएबल को इंडेक्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, वो कैसे, यहाँ पर देखें एक वेरिएबल लिया गया, चलिए मैं आपको यहाँ पर कंपाइलर पर बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट एन नाम का, और उसमें मैं एक वैल्यू साइन कर देता हूँ लेट्स से 4। यहाँ पर अब मैं ऐसा करता हूँ इंडेक्स में क्या दे देता हूँ एन, मतलब कि ये n की जो भी वैल्यू होगी जो कि अभी 4 है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, 4 है, n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, मतलब कि हम 3 तक, 0 से लेकर 3 तक ही ये अरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, 4, 5 तो आ ही नहीं ना सकता। ये 4, 5 तभी आएगा जब n में हम 6 कर देंगे, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो हम 0 से लेकर 5 तक के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और इनको हम यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, ये तो प्रोग्राम ठीक है, इसे कंपाइल एंड रन करके भी एक मरतबा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, फर्स्ट में 45 था, सेकंड में 93 है, तो आप देख सकते हैं।
क्लियर है। आगे मैंने मजीद की वैल्यूज डिस्प्ले नहीं की इसलिए शो नहीं हो रहा, अगर करना चाहें तो उसको भी करें। यहाँ पर प्रिंट एफ में उनको भी लिखें, उनका फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिखें, उन वेरिएबल्स को मेंशन करें यहाँ पर आगे मजीद कॉमा डाल के, तो वो भी वैल्यू शो होंगी। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि यूजिंग वेरिएबल एज इंडेक्स, कि हम किसी वेरिएबल को जिसना यहाँ पर एन एक वेरिएबल है उसको किसी अरे की इंडेक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया भी है, ये आप देख सकते हैं कि ये एन एक वेरिएबल है और इस अरे की जो इंडेक्स है वहाँ पर मैंने कोई एक नंबर नहीं दिया बल्कि एक वेरिएबल दिया हुआ है। अब इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो दरअसल यहाँ पर होगी, मतलब कि हाँ उतने अरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेट्स से अगर मैं यहाँ पर टू लिख देता हूँ तो यहाँ का मतलब ये है कि सॉरी यहाँ पर अगर मैं टू लिख देता हूँ तो यहाँ पर टू आ जाएगा, इसका मतलब ये होगा क्योंकि एन में टू है तो यहाँ पर टू हो जाएगा, मतलब कि आप जीरो और वन वाले अरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। अब ये यहाँ पर सिक्स कर दिए तो आप जीरो से लेकर इस अरे एलिमेंट्स के जीरो से लेकर फाइव तक अरे एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा अ वेरिएबल कैन ऑल्सो बी यूज एज इंडेक्स टू एक्सेस एन अरे एलिमेंट, कि हम किसी एक वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किसी एक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि उसके अरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इवन कि अगर अरे का हमने क्या देना है, उसकी डिमेंशन देनी है, उसका साइज बताना है, तो आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं। अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये लाइन इतनी जरूरी नहीं है। द वेरिएबल इज रिटन इन द ब्रैकेट्स विद द नेम ऑफ द अरे, हाँ ये लाइन आप इधर से लेकर इधर तक कर दें काफ़ी है, उसके साथ ये एग्जांपल सूट कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फ्लो डाटा टाइप है तो यहाँ से जैसे बात है पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर होंगी, यहाँ पर इंट वाली थी तो इसलिए यहाँ पर इंट वाली वैल्यू स्टोर की गई है। अगर यहाँ पर फ्लोट होती तो यहाँ पर भी फ्लोट वाली वैल्यू स्टोर होनी थी, मतलब कि पॉइंट वाली वैल्यू, तो ये वाली एग्जांपल सूट करेगी। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ये फर्स्ट लाइन रहने दें। अगर आपने फर्स्ट लाइन करनी है तो फिर से कोशिश कीजिएगा ये साथ वाली एग्जांपल भी कीजिएगा। अगर आप इधर से लेकर इधर तक करते हैं तो आप ये एग्जांपल करें फिर। ठीक है जी, आई होप क्या वो वैसे भी क्लियर होगा कि आप किस तरह से हम किसी एक वेरिएबल को उसके इंडेक्स के तो अरे इंडेक्स के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, आपको ये भी बता देते हैं कि ये फर्स्ट लाइन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो एक वेरिएबल होता है उसको हम किसी अरे एलिमेंट को एक्सेस करने तो उस वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें एक अरे बनाई गई है हाइट 3 और इसमें एक वेरिएबल लिया गया है नेक्स्ट एन इज इक्वल टू 3 0 और एन में अभी 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट और एन की जगह पर जाहिर सी बात है अभी 0 आएगा। हाइट 0 में क्या है जी 6.2। ठीक है, हाइट 0 में क्या चला गया 6.2, एन प्लस प्लस किया गया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है एन में वैल्यू अब क्या होगी 1 हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। अब हाइट में यहाँ पर 1 आ गया तो हाइट 1 में क्या स्टोर हो गया 5.5, तो इसी तरह से यहाँ पर प्लस प्लस होगा तो पहले एन में 1 वैल्यू थी अब एन में 2 वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हाइट 2 में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी 5.9। तो आप हाइट 1 से लेकर 0 से लेकर 2 तक ही यूज़ कर सकते थे क्योंकि हाइट 3 है, यहाँ पर इसको यूज़ किया गया। अब देखिए यहाँ पर जो एक वेरिएबल है उसको हमने अरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया, जबकि यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या है कि एक वेरिएबल को अरे की डिमेंशन या अरे का साइज बताने के लिए इस्तेमाल किया गया। क्लियर है। चलें जी, अब आते हैं जी नेक्स्ट, इधर तक कर लें तो काफ़ी है, अगर नीचे करना चाहें तो मज़ीद आप कर भी सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम है, इसको खुद ट्राई कीजिएगा। आगे नेक्स्ट लूप है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लूप के बारे में। अगर आपका कोई सवाल हो इस वीडियो में जो पढ़ा है हमने तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद की जा सके। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो, मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में जो आपको बताया गया है, जो आपको मैंने सिखाने की कोशिश की है, तो आपको अगर कोई सवाल हो इस हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इलम की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी पर भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट जो अगर वीडियोस आएँ तो आप तक कम से कम नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।